वाटर बैलेस्टिंग। वाटर बैलेस्टिंग एक सहज प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ट्रैक्टर का भार बढ़ाने और खेत में पिछले टायरों को फिसलने से रोका जाता है। वाटर बैलेस्टिंग की प्रक्रिया में ट्रैक्टर के पिछले दोनों पहियों में एक एक करके पानी भरा जाता है। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले किसी एक पहिए को ईंट या पत्थर या लकड़ी के गुटके से रोक दें। अब दूसरे पहिए को जैक लगाकर उठा दें। अब ट्यूब का एयर वाल्व खोलें और हवा निकाल दें। पूरी तरह से हवा निकल जाने के पश्चात टायर को घुमाएं और वाल्व को 10 बजे या 2 बजे की स्थिति में लाएं। पाइप की मदद से ट्यूब में पानी भरें। पानी भर जाने के बाद पाइप खोल लें। इस समय टायर का 3/4 भाग पानी से भर चुका है। अब टायर घुमाएं और उसे 12 बजे की स्थिति में ले आएं। अब पुनः वाल्व लगाएं और बचे 1/4 हिस्से में जरूरत अनुसार हवा भर दें। सामान्यतः 12 से 16 PSI हवा ही टायरों में भरी जाती है जब ट्रैक्टर खेत में चलाया जाता है। हवा भरने से टायर पूरी तरह अपने आकार को प्राप्त कर लेगा। जैक से टायर को उतारें और ठीक इसी प्रकार ट्रैक्टर के दूसरे टायर में भी पानी और हवा भर दें। पानी से भरे टायरों के साथ ट्रैक्टर केवल खेत या नरम जमीन पर ही चलाएं। पक्की सड़क पर चलाने से टायर घिसेंगे और नुकसान होगा। खेत में काम समाप्त होने के पश्चात टायरों से पानी निकालने के लिए वाल्व को 6 बजे की स्थिति में लाएं और उसे खोल दें। जैक से टायर को उतारें। ट्रैक्टर के भार से टायर पूरी तरह बैठ जाएगा और सारा पानी निकल जाएगा। वाल्व पुनः लगाएं, जरूरत अनुसार हवा भर दें और ट्रैक्टर अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। धन्यवाद।